स्टूडेंट्स ये एनसीआर टू थर्टी सिक्स इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं फॉलोइंग स्पीसीज राइट आपसे बोला गया है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन से होते हैं या आपने ये बताना है और साथ में ही ये जो आपके पास स्पीसीज गिवन है आपने इनके कॉन्जुगेट एसिड बेस फाइंड आउट करने हैं राइट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वो पेयर आते हैं एसिड और बेस के जिनमें की केवल एक प्रोटोन का डिफरेंस आता है राइट सो यू कैन राइट अ पेयर ऑफ एन एसिड एंड ए बेस विच डिफर्स फ्रॉम One another by a proton are said to be a conjugate acid base pair. राइट right? सो so, हम जो है एक साइड स्पीसीज मेंशन कर देंगे so, आप यहाँ पे स्पीसीज लिख लोगे और दूसरी साइड जो है इसका कॉन्जुगेट एसिड या बेस लिख लोगे राइट सो अब हम फर्स्ट पीसीज देखते हैं सो इट इज एच एन ओ टू तो ये जो एच एन ओ टू है इसमें से अगर आप एक प्रोटॉन जो है वो माइनस कर देते हो ये जो एच पॉजिटिव है इसे माइनस कर दोगे तो ये क्या बना देगा ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बना देगा राइट अब डेफिनेटली सी एन नेगेटिव अब यहाँ पे ऑलरेडी ये नेगेटिव में है राइट तो अगर इसमें आप एच पॉजिटिव एड कर देते हो तो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा एच सी एन राइट अब नेक्स्ट देखते हैं दैट इज एच सी एल ओ फोर अगर इसमें से आप एक प्रोटोन माइनस कर देते हो राइट ये एच पॉजिटिव निकाल देते हो तो पीछे सी एल ओ फोर नेगेटिव आ गया जो कि कॉन्जुगेट बेस है इस एसिड का राइट नेक्स्ट देखते हैं एफ नेगेटिव यहाँ पे या अगर आप एच पॉजिटिव एड कर दोगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा नेक्स्ट वन इज ओ एच नेगेटिव अगर इसमें अगेन आप एच पॉजिटिव एड करोगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा अब ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इनमें आपने एच पॉजिटिव एड करने हैं और जिसमें ऑलरेडी एच प्रेजेंट है उसमें से आपने एच पॉजिटिव जो है वो सब्रैक्ट करना है राइट अब नेक्स्ट जो है सी ओ थ्री टू नेगेटिव राइट अब इसमें हम डेफिनेटली एच पॉजिटिव एड करेंगे सो इट विल बी एच सी ओ थ्री नेगेटिव राइट एंड नेक्स्ट वन एस टू नेगेटिव इसमें भी हम एच पॉजिटिव जो है वो ऐड करेंगे राइट सो इट विल बी एच एस नेगेटिव